लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बोनी कपूर ने वांटेड 2 से सलमान को हटाकर इस एक्शन स्टार को लिया, जानिए ऐसा क्यों हुआ। फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर वांटेड का सीक्वल वांटेड 2 बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि साउथ की फिल्म पोकिरी कारी में एक 2009 में वांटेड नाम से रिलीज किया गया था, जिसमें सलमान खान लीड रोल में थे। करीबन 28 से 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 200 करोड़ का बिजनेस किया था। वांटेड फिल्म से अचानक सलमान खान के करियर का ग्राफ ऊपर उठ गया था, लेकिन अब बोनी कपूर जब वांटेड 2 बनाना चाहते हैं तो वे सलमान की जगह बॉलीवुड के नए एक्शन स्टार को लेना चाहते हैं और इसके पीछे भी एक ठोस वजह है। दरअसल जब से बोनी कपूर के लड़के अर्जुन कपूर का नाम सलमान खान के भाई अरबाज खान की पत्नी मलाइका अरोड़ा खान से जोड़ा, तब से सलमान खान अर्जुन कपूर से नाराज हैं। सलमान का नाराज होना लाजमी भी है, क्योंकि इसी वजह से अरबाज और मलाइका के रिश्ते में दरार पड़ गई और वे दोनों अब अलग हो चुके हैं। बोनी कपूर ने सलमान से काफी समय पहले वांटेड 2 के बारे में बात की थी, लेकिन सलमान ने कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया था। वही जब रेस 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान ने अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में बताया तो उसमें सलमान ने वांटेड का जिक्र नहीं किया, जिससे बोनी कपूर समझ गए कि सलमान अब वांटेड करने में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। इसलिए बोनी कपूर ने सलमान की जगह बागी के नए एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ को लेने का मन बनाया है। टाइगर ने भी अपनी हामी भर दी है और इस फिल्म का निर्देशन प्रभुदेवा करने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस मामले में, सलमान सही है या बोनी कपूर, जिन्हें सलमान वांटेड 2 के लिए जवाब नहीं दे रहे हैं। यह लेख पत्रकारिता सामग्री नहीं है, इसे वी मीडिया लेखक द्वारा कॉपीराइट।